नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ का जो फाइनल एग्जाम है यानी बोर्ड एग्जाम है उसमें जो ओएमआर शीट है उसको किस तरह से फिल किया जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और इस गलती के कारण उनका एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो रुक जाता है। कभी कभी वो रिजल्ट बहुत देर से आता है क्योंकि उसमें कुछ मिस्टेक होती है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है कि किस तरह से ओएमआर शीट को फिल किया जाता है। लास्ट ईयर से इस ईयर में थोड़ा सा चेंज आया है, वो क्या चेंज है वो भी मैं आपको बताऊँगा और आपको बताऊँगा किस तरह से उसको फिल किया जाता है। अगर आप क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई बच्चा है जो क्लास टेंथ या क्लास ट्वेल्थ में पढ़ता है तो उसको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए ताकि उनसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। तो चलिए मैं आपको पहले कंप्यूटर स्क्रीन पर ले जाता हूँ, पहले मैं आपको पूरी शीट दिखा देता हूँ कि वो किस प्रकार की शीट दिखती है। तो देखिए इसके दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। इन दोनों पार्ट को अलग अलग अपने को फिल करना है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट कैसे फिल किया जाता है, ठीक है, इसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट डालना है। जो भी आप सब्जेक्ट जिसका भी पेपर उस दिन होगा वो आप पेपर सब्जेक्ट डालेंगे। जैसे मेरे को मैथमेटिक का पेपर है तो मैं डाल देता हूँ मैथमेटिक। ये मैंने मैथमेटिक डाल दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा है सब्जेक्ट कोड। देखिए यहाँ पे दो तरह के मैथ्स चलते हैं, आपको मालूम है कि टेंथ क्लास में भी दो तरह के मैथ है और ट्वेल्थ क्लास में भी है। जैसे टेंथ क्लास की बात करें तो यहाँ पे एक तो होता है बेसिक मैथमेटिक और एक होता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक। इसी टाइप से अगर ट्वेल्थ में जाते हैं तो जो साइंस के स्टूडेंट है जिसने पीसीएम ले रखा है उसको हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक बोलेंगे, यानी कि उसको कोर मैथमेटिक बोलेंगे। और जो कॉमर्स ले रखा है जिन बच्चों ने उनने मैथमेटिक ले रखा है उसका जो कोड है वो अलग है, क्योंकि उनको अप्लाइड मैथमेटिक बोला जाता है, उसका कोड अलग है। तो अगर हम टेंथ की बात करें तो आप जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक वाले हैं वो लिखेंगे 041, ठीक है। और अगर आप एक बेसिक स्टूडेंट वाले बेसिक मैथमेटिक वाले बच्चे हैं तो आप लिखेंगे 241। इसी टाइप से क्लास ट्वेल्थ के जो बच्चे हैं वो जिसने पीसीएम ले रखा वो तो लिखेंगे 041 और जिन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक ले रखा वो लिखेंगे 241, ठीक है, क्लियर। इसके बाद लिखा है डे एंड डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, डे एंड डेट। तो सबसे पहले आपको डे लिखना है फिर डेट लिखना है। सपोज करिए हम आज की बात करें, आज हमारा एग्जाम है तो डे आज क्या है मंडे, तो हम लिख देंगे यहाँ पे मंडे, ठीक है, और कामा लगाएंगे और इसके बाद एग्जामिनेशन की डेट है ना, आज डेट क्या है तो आज लिखेंगे 13/02/2023। तो इस टाइप से आपको डेट लिखना है, डे एंड डेट लिखना है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है मीडियम ऑफ आंसर द एग्ज़ाम, आंसर द एग्ज़ाम। तो आप अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप यहाँ लिखेंगे इंग्लिश, ठीक है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है तो आप हिंदी लिख दीजिए, जो भी आपका मीडियम है वो लिख सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जब आप लैंग्वेज का पेपर दे रहे होंगे उस समय आप वो लैंग्वेज लिखेंगे जिसमें आप पेपर दे रहे हैं। सपोज करिए आप एक टेंथ क्लास के स्टूडेंट हैं और आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है आप पूरा एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन हिंदी के पेपर के दिन आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, हिंदी लिख देंगे, ठीक है, इंग्लिश नहीं लिखेंगे उस प्लेस पे, क्या लिखेंगे, हिंदी। अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो उर्दू का पेपर अगर आप दे रहे हैं उर्दू लिख दीजिए, अगर आप मलयालम का पेपर दे रहे हैं तो आप मलयालम, जो भी लैंग्वेज आपकी होगी वो लैंग्वेज यहाँ लिखना है केवल लैंग्वेज के पेपर में, बाकी सभी पेपर में क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश लिखना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद लिखा है यहाँ पर राइट कोड नंबर एज रिटर्न ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अब क्वेश्चन पेपर जो आपका है उसके ऊपर कुछ कोड लिखा रहता है जिसको हम क्वेश्चन पेपर कोड बोलते हैं, वो कोड को आपको यहाँ पे डालना है। किस टाइप का कोड, जैसे यहाँ लिखा है 301/, फिर कुछ यहाँ PQ, जो भी कुछ है इस टाइप का कोड होगा वो कोड आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखा सेट नंबर, तो अब जो पेपर होता है वो 4 सेट में आता है, तो 1, 2, 3, 4 उस या फिर 1, 2, 3 जिसमें भी आए आपका पेपर आए तो वहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये जो 1, 2, 3, 4 है, सपोज करिए आपको 2 नंबर का पेपर आया, सेट नंबर 2 है, तो आप जहाँ 2 लिखा उस जगह पे आप क्या करेंगे, डार्क कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। इस टाइप से ध्यान रखें, मैं यहाँ पे रेड पेन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो अच्छे से दिखे, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करना है, ठीक है, या ब्लू पेन का यूज़ करना है, मैं यहाँ पे आपको रेड पेन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे लिखा अगला नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक, ये सप्लीमेंट्री आंसर बुक आप लास्ट में फिल करोगे अगर आपने कोई सप्लीमेंट्री ली है तो, अदरवाइज यहाँ पे लिख दोगे डैश या फिर लिख दोगे नो, या तो आप डैश बना दोगे ऐसे या फिर नो लिख दोगे, जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लिखा है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपको यहाँ लिखना है, वैसे कोई भी नहीं होगा तो आपको यहाँ भी क्या लिखना है, नो लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कोड ऑफ द डिसेबिलिटी,
कोई डिसेबिलिटी कोड, जैसे ऊपर डिसेबिलिटी बेंचमार्क है इसी टाइप से नीचे डिसेबिलिटी कोड है, वो फोर फाइव टाइप के कोड आते हैं, लेकिन वो कोई नहीं है आप उसमें से, तो आपको यहाँ भी क्या लिखना है, नो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है वेदर राइटर प्रोवाइडेड, क्या आपने राइटर मंगा है और आपको प्रोवाइड किया गया है, यानी कि जैसे सपोज करिए किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसको हाथ से लिख नहीं पा रहा है वो, और उसका एग्ज़ाम है, तो क्या करते हैं कि बच्चे लोग जो स्टूडेंट है वो बोर्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको एक राइटर चाहिए मेरी प्लेस पर कोई लिख सके, तो उनको राइटर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर ऐसा कोई है तो वो ये लिखेंगे यस, और नहीं है तो क्या लिख देंगे, नो। वैसे ज़्यादातर नो ही लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई भी राइटर नहीं मांगता, अगर मांगता है तो आप यहाँ यस लिखेंगे, ठीक है। लास्ट लिखा इफ़ विजुअली चैलेंज नेम द सॉफ्टवेयर यूज्ड, अगर किसी प्रकार का कोई आपको दिखाई देने की कोई प्रॉब्लम है और आप किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप देख रहे हो, तो यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है, लेकिन आपको सभी को नो ही लिखना, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इसको यूज़ करता होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको सेकंड पार्ट की तरफ ले चलता हूँ। देखिए ये सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का नाम, यानी कैंडिडेट नेम इन कैपिटल लेटर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, जो बॉक्सेस बने, जैसे मैं लिखता हूँ आर ए जे ई एन डी आर ए राजेंद्र। इसके बाद मेरे को अपना सरनेम अगर लिखना है तो यहाँ पर एक ब्लॉक को छोड़ना पड़ेगा और फिर लिखूँगा टी आई डब्ल्यू ए आर आई, इस टाइप से मेरे को यहाँ पे लिखना है। अब ये जो मैंने मेरा नाम लिखा है इसमें आपको फिल करना है, ये जो नीचे आपको सर्कल्स दिख रहे हैं इन सर्कल को फिल भी करना है। तो जैसे जो आर लिखा है तो आर जहाँ पर भी आएगा मैं वहाँ पर उसको डार करूँ, जैसे आर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आर, ये आर को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना कम्प्लीटली फिल करना है। फिर ए है तो आप ए वाली लाइन में ए को फिल करेंगे इस टाइप से। फिर जे है तो जे वाली लाइन में आपको जे को फिल करना है, ये मैंने जे को फिल कर दिया, ठीक है। फिर ई है तो ई को फिल करना है, ये मैंने ई को फिल कर दिया। फिर ई के बाद एन है तो एन पे जाऊंगा और एन को फिल कर दूंगा, इस टाइप से मुझे पूरा। फिर इसके बाद टी आया तो मैं टी को यहाँ पे जहाँ भी टी लिखा होगा टी को फिल कर दूंगा। इस तरह से मुझे पूरा नाम जो है उसके जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को यहाँ पर एक एक करके फिल करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ रोल नंबर लिखा है, रोल नंबर में भी सबसे पहले आप ऊपर रोल नंबर लिख दीजिए जो भी आपका, जैसे 1932562 0, ये सपोज करिए आपका रोल नंबर है। अब मुझे यहाँ पे रोल नंबर तो मैंने ऊपर लिख दिया, अब यहाँ पे मेरे को ये जो सर्कल है उसको भी फिल करना है। तो फर्स्ट सर्कल क्या है, 1, तो 1 को मैं फिल कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, 9, तो मैं 9 को फिल करूँगा, ये 9 हो गया। फिर 3 है तो 3 को फिल करूँगा। फिर 2 है तो 2 को फिल करूँगा। इस टाइप से मुझे यहाँ पे पूरे जितने भी लेटर, जितने भी यहाँ पे डिजिट्स लिखी है सारे डिजिट्स को मुझे फिल करना रहेगा, ठीक है। ये मैंने इस तरह से फिल कर दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जब फिल करेंगे आप तो कम्प्लीटली फिल करेंगे, जल्दबाजी में कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। हर को जैसे मैंने ऐसे फिल करा ऐसा आप नहीं करोगे, अच्छे से फिल करोगे उसको पूरी पूरी। मैं तो आपको सिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप पूरे अच्छे से इसको फिल करोगे, ठीक है। चलिए इस ये हो गया रोल नंबर। इसके बाद यहाँ चलते हैं सब्जेक्ट कोड पे। ये सब्जेक्ट कोड है, अब जैसे अभी हमने मैथमेटिक्स का पेपर दिया और आपने एक स्टैंडर्ड का पेपर दे रहे हैं आप, तो आप लिखेंगे 0, पहले तो यहाँ लिख देंगे 0 4 1 अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले रखा है, लेकिन आप बेसिक मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर आपका है तो यहाँ लिखेंगे 2 4 1। तो उसी तरह से उसको फिल भी करेंगे, 0 4 1 है तो 0 को पहले फिल करेंगे, फिर आप 4 को सर्कल करेंगे, फिर आप 1 को सर्कल करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। फिर हम चलते हैं सेंटर नंबर पे। हर स्कूल का सेंटर नंबर होता है जहाँ पर आपका सेंटर आता है, तो आप ये सेंटर नंबर कहाँ से देखेंगे, आपके पास जो एडमिट कार्ड है एडमिट कार्ड के टॉप लाइन देख लेना, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, रोल नंबर मिल जाएगा, एडमिट जो सेंटर कोड है वो मिल जाएगा आपको, स्कूल कोड है, सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो आप वहीं से देखना, कहीं और से नहीं देखना, जो भी आपके पास एडमिट कार्ड आया है उस एडमिट कार्ड पर ये सारी जानकारी मिलेगी आपको पहले ही लाइन में, ठीक है। तो आप सेंटर कोड है, जैसे किसी स्कूल का सेंटर कोड है मान लो 301243, इस टाइप का कोई आपका एडमिट जो सेंटर कोड है वो है, तो यहाँ पे 3 है तो आपको पहले 3 को सर्कल करना है, 0 है तो आपको 0 को सर्कल करना है, ठीक है। फिर 1 को सर्कल करना है, फिर 2 को सर्कल करना है, फिर 4 को सर्कल करना है, और फिर 3 को, इस टाइप से आप पूरा सर्कल कर देंगे। ये तो क्या हुआ सेंटर कोड। अब यहाँ चलते थोड़ा नीचे, फिर यहाँ लिखा है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट फिर से आप मैथमेटिक्स लिखेंगे, ठीक है, जो भी आपने ऊपर लिखा था वहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ लिखा देखिए स्कूल नंबर, अब यहाँ ये है स्कूल नंबर, ऊपर हमने लिखा है सेंटर कोड और यहाँ लिखा है स्कूल नंबर, तो ये स्कूल नंबर आपका स्कूल है जहाँ आप पढ़ते हैं, और वो स्कूल नंबर भी आपको एडमिट कार्ड के फर्स्ट लाइन में ही मिल जाएगा, तो आप इजीली वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ भी लिख देता हूँ मैं जो भी मेरा स्कूल कोड है, ये मैंने स्कूल कोड लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है रोल नंबर इन वर्ड्स,
ठीक है, तो आपको इसको इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिखना है ना। पहले क्या होता था जैसे 19 ऐसे करते ओ एन ई वन फिर कामा एन आई एन ई नाइन इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे इंडियन सिस्टम से लिखना है। जैसे कि यहाँ 1 करोड़ है तो आप लिखेंगे ओ एन ई करोड़ पहले से लिखा हुआ है, फिर 95 है तो यहाँ 95 की स्पेलिंग लिख देंगे, ठीक है, 95 की स्पेलिंग 95 लैक्स, फिर मान लीजिए 2000 है तो 2000 20000 जो भी जैसा भी है वो आप यहाँ पे लिख दें, लेकिन यहाँ पे ना तो 1000 लिखेंगे और ना ही लेक्स, लेक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप जो जैसे 1 है तो 1 की स्प्लिंग लिखेंगे, 95 है तो 95 की स्प्लिंग लिखेंगे, यहाँ पे अगर 23 है तो 23 की स्प्लिंग लिखेंगे, इस प्रकार से आप लिखेंगे। लास्ट में जैसे यहाँ पे आएगा 243 ऐसा जैसे मान लो आ रहा था, 200 लिखेंगे 243, ठीक है, इस टाइप से आप लिख देंगे, क्लियर। इसके बाद लिखा है फादर्स या गार्जियन नेम, तो आप फादर्स नेम लिखेंगे जो भी है, मिस्टर जो भी आपके फादर का नाम होगा वो यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर है कैंडिडेट सिग्नेचर, तो यहाँ ध्यान रखें जब सिग्नेचर आप करेंगे तो ऐसे सिग्नेचर करना, वो सिग्नेचर करना जो कि आपने फॉर्म भरते समय या आपके जो LOC में साइन किया था वो साइन आप यहाँ पे करेंगे तो मैच अच्छे से मैच हो जाएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम जा सकती है। तो आप देख लीजिए कि आपने LOC में किस टाइप का साइन किया, वही साइन आप यहाँ पे करेंगे। तो इस टाइप से आप बहुत इजीली किसी भी तरह की OMR शीट है, जो खासकर इस साल की OMR शीट आई है, बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी मैं ट्रिक देना चाहता हूँ, एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ, जैसे आप जब ये सर्कल को फिल करें तो ऐसा पेन यूज़ करना जो थोड़ा थिक हो, यानी जो मोटा चलता हो, अगर ऐसा पेन आप यूज़ करोगे तो आप जल्दी से इसको फिल कर पाओगे। अगर आप बारीक डॉट वाला पेन यूज़ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, उसको बहुत बार घुमाना पड़ेगा तब जाके फिल होगा। अगर मोटी निब वाला पेन यूज़ करोगे तो जल्दी आप फिल कर पाओगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट आपको रह गया हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तो आप एक खुश और मुझे दिया गया। जय हिंद।